नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक बोर्ड आया है जो कि सनसुई, पैनासोनिक, मोटोरोला बहुत सारी कंपनियों के अंदर लग के आता है। इसका कॉमन फॉल्ट ये है कि जब चालू करोगे तो ग्रीन लाइट आपको दिखेगा। तो आप देख सकते हैं चालू किया मैंने, डायरेक्ट ग्रीन लाइट दिखेगा। ऐसे कंडीशन में आपका वोल्टेज जो है सब बनता रहेगा, एक्सपायर पैनल का वोल्टेज और बैक लाइट का। ओके, तो चलिए हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैनल का वोल्टेज चेक करेंगे और देखेंगे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पैनल का वोल्टेज जो है देखो नहीं बन रहा है। रैम की सप्लाई चेक करेंगे, 1.8 वोल्ट ओके है। कोर वोल्टेज 1.1 वोल्ट ओके है और 1.5 वोल्ट रैम की सप्लाई ओके है। फिर कोर वोल्टेज सेकेंड 1.2 वोल्ट ओके है और 3.3 चेक करेंगे, 3.3 भी हमारा ओके है। और नीचे हमारा 5 वोल्ट है वो चेक कर लेंगे, तो वो भी हमारा ओके दिखा रहा है। ओके, तो चलते हैं हम लोग सीधा सॉफ्टवेयर की तरफ और हीटसिंक निकाल के हम लोग चेक करेंगे कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही है या नहीं है। उसका MCIC को हीट मार के देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पेस्ट उसके अंदर डाल लेना है, उसके बाद से आपको MCIC को ऊपर से हल्का सा हीट मार के देख लेना है। ठीक है, हीट का जो पोजीशन है आपका हमेशा जो है वेरी होना चाहिए, एक जगह किसी एक जगह पे कांस्टेंट नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी MMC जो है डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो चलिए हमारा हीटिंग हीट मार के हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा सेट जो है चालू होता है या नहीं होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले जो है आप प्लग को लगा दीजिए और चालू कीजिए, देखते हैं। यहाँ पर देखिए रेड लाइट आ चुका है, पहले डायरेक्ट ही ग्रीन लाइट आ रहा था, अभी यहाँ पर आपको रेड लाइट देखने को मिला और स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद हमारा ग्रीन हो गया। ऐसे कंडीशन में अब आपका पैनल का वोल्टेज जो है आ गया रहेगा, तो मतलब हमारा जो MMC था यहाँ पर ड्राई था। देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट आ चुका है। ओके, तो हमारा MMC जो है वो ड्राई था, इसलिए ऐसा फॉल्ट देखने को हमको मिला। ओके, तो अब हम चलते हैं कि हमारा जो MMC IC है उसको निकालेंगे और निकाल के हम लोग उसको रिवॉल्व करके फिर से लगाएंगे उसी पैड पे। ओके, मतलब हमारा IC जो है वो चलते 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 जो है IC ड्राई हो जाती है, इसलिए ऐसा दिक्कत आ जाता है। तो आपको उसको निकाल लेना है और निकालने के बाद में उसको रिवॉल्व करके फिर से आपको लगाना है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी और जो है बॉल बनाने पेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अलाइनमेंट प्रॉपर करके आपको जो है IC को जो है सही तरीके से इसके ऊपर रख देना है और उसके बाद में आपको पेस्ट को लगाना है और लगाने के बाद में आपको हल्का सा हीट मारना है। हीट मारने से क्या होगा, जो पेस्ट के फॉर्म में बॉल पेस्ट के फॉर्म में जो शोल्डर है वो बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आपके MMC IC के पैड के ऊपर जो है वो चिपक जाएगी और एक बॉल का फॉर्म बॉल का रूप फॉर्म कर लेगी। ओके, तो चलिए अब हमारा ये जो है बॉल बन चुका है और बॉल का साइज़ एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, और एक समान होना चाहिए। ओके, ताकि IC जो उठा हुआ ना रहे, कहीं झुका रहेगा नहीं तो, या कहीं उठा रहेगा तो उससे क्या होगा, प्रॉपर शोल्डर जो है पैड पे पकड़ेगा नहीं और वो ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए आपको MMC के बॉल एक सरीका होना चाहिए। अब चलिए हमारा जो MMC है का बॉल है वो बन चुका है। अब ट्राई करेंगे कि हम उसको फिर से उसी जहाँ पर था वहीं पर अब लगा दें इसको। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो पहले का जो बॉल था उसके पैड को क्लीन करना पड़ेगा जहाँ पर MMC लगाना है। अब अगर अच्छे से उसको क्लीन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि बॉल जो है अच्छे से चिपक जाए। ओके, तो चलिए हम लोग उसके पैड को क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद ही हम लोग ये MMC उसके ऊपर लगाएंगे। ओके, तो ऐसे फॉल्ट आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, MMC के फॉल्ट जो है बहुत रहेंगे और MMC चेंज करने का क्या प्रोसेस है वो सब दिक्कत हो जाएगा आपको। तो आप इसीलिए जो वीडियो हम लोग बनाते हैं वो आप देखते रहिए, ताकि आपको नॉलेज मिलते रहे। जो एडवांस बोर्ड आ रहे हैं, जो मार्केट में आ रहे हैं, तो उसको आपको रिपेयरिंग में ईजी हो जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा। अब दूसरी बात क्या होता है कि जब आप MMC निकालते हो तो वहाँ के पैड या तो नीचे दब जाते हैं या तो ऊपर उठ जाते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको उसको थोड़ा सा दबा के एक सरीका करना होता है, ना ज़्यादा उठा हो ना ज़्यादा झुका हो। ठीक है, पैड उसका जहाँ पर MMC लगाना है, उसके बाद में आपको प्रॉपर अलाइनमेंट कर देने हैं MMC के। अलाइनमेंट करने के बाद में आपको जो है अच्छे से हीट मार देना है, ताकि जो MMC का जो बॉल है वो अच्छे तरीके से उसके पैड पे चिपक जाए।
ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और NMC लगाने के बाद में जो इसके सराउंडिंग एरिया में 1.8 और 3.3 वोल्ट के लाइन में जो PF लगे रहते हैं उसके ऊपर आपको कंटिन्यूटी ले भी ले लेना है, ताकि शॉर्टिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है ये एक बार कंफर्म हो जाए। ओके, अगर शॉर्टिंग दिखाता रहेगा, अगर आपने चेक नहीं किया तो फिर आपके सप्लाई से दिक्कत हो सकती है या फिर सिस्टम IC भी ख़राब होने के चांसेस। अब जो MMC हमारा जो है पैड के ऊपर लग चुका है और अब उसको थोड़ा सा हीट देने की ज़रूरत है और अलाइनमेंट प्रॉपर हो जाना चाहिए। और एक बार जब लग जाए तो एक बार उसको टिकची मतलब हल्का सा चिमटी से हिला के देख लीजिए क्या वो अपने पोजीशन पे वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कंफर्म करना ज़रूरी होता है। ओके, तो चलिए ये हमारा काम हो चुका है, आप देख सकते हैं MMC सही तरीके से लग चुका है। अब फाइनल टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा सेट चालू होता है या नहीं चालू होता है, और जो है वो देखेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा MMC को ठंडा हो जाने दीजिए, तुरंत चालू करने जाएंगे दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा MMC को ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्राई कीजिए चालू करने का। अगर आप डायरेक्ट MMC हीट है और चालू कर दिए तो दिक्कत हो जाता है। ओके, तो थोड़ा सा थीनर डाल के उस एरिया को साफ कीजिए कर दीजिए ताकि जो लीकेज है मॉइस्चर है वो हट जाए वहाँ से, और ब्रश अच्छे से क्लीन करके फिर टिश्यू पेपर से आप पोंछ दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ताकि वो जो मॉइस्चर होता है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो वहाँ पर पैड जो होता है एकदम क्लीन हो जाता है। ओके, तो ताकि जो है लीकेज का दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पर यह हमारा काम हो चुका है, IC भी लगभग ठंडी होने को आई है। अब ट्राई करेंगे लगा के देखने का और सेट हमारे चालू करने का ट्राई करेंगे चालू होता है या नहीं होता है। ओके, तो चलिए हम लोग प्लग इन करते हैं और प्लग इन करने के बाद में कंफर्म करते हैं कि सेट हमारा चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो इसमें जो है MMC ड्राई का फॉल्ट हमको दिखा था, लेकिन अब एक बार लास्ट टाइम फाइनल चेकअप, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लाल लाइट आया है और स्टैंड बाय के लिए तैयार है, तो चालू करते हैं और देखिए स्टैंड बाय ऑन हो गया। ओके, मतलब ये हमारा बोर्ड जो है परफेक्ट हो गया है। अब सारे वोल्टेजेस लगभग बनते रहेंगे, पैनल का वोल्टेज सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे पैनल का वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। ओके, तो पैनल का वोल्टेज हमको क्लियर दिख रहा है बनते हुए। तो ये सब फॉल्ट आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा और MMC को इतना भी, अब जैसे कि मैं आपको दिखाया हूँ MMC ड्राई का फॉल्ट 95 में से सिर्फ 5% आता है, मतलब 100 में से सिर्फ 5%, 95% जो है MMC सॉफ्टवेयर का आता है। अब बहुत नसीब तेज रहेगा तो ही आपका ऐसा दिक्कत देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपने MMC हीट करके दिया और वो गया, एक दो दिन चला फिर से रिपीट आ गया, तो वैसे कंडीशन में आप बार बार हीट नहीं करना है, फिर समझ जाने का उसका MMC जो है ख़राब है या डैमेज है, तो उसको चेंज करवा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए।